शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ कि नई जानकारी के साथ। गुरु मंत्र का जाप करने की विधि है। आप चाहे किसी भी गुरु से दीक्षित हो, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना जो मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, लाइव चैट में उनके साथ फ्री में बात कर सकते हो। बाकी की डिटेल स्क्रीन के ऊपर आ रही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। गुरु मंत्र का जाप करने की विधि, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जो लोग गुरु मंत्र से दीक्षित हैं यानी इनके पास गुरु मंत्र है, चाहे उनको गुरु चोला छोड़ गया है, चाहे उनके गुरु हैं, मैं आपको बता दूं, गुरु कौन होता है? गुरु वो मनुष्य होता है जो शरीरधारी हो, ठीक है ना। गुरु मनुष्य होता है, ना कि देवता को आप गुरु मान के कुछ भी नहीं कर सकते हो। लोग जो बोलते हैं कि मैंने गुरु गोरखनाथ को मान रखा है या उनको, ठीक है माना, वो आपकी श्रद्धा भावना है। मैं ये नहीं कहूँगा गुरु नहीं, वो तो सर्व जगत के गुरु हैं, पालन करता है सृष्टि के, वो देवताओं के भी गुरु रह चुके हैं। वो तो उनको आप क्या गुरु मानोगे? गुरु वो होता है जिसने कान में आपके फूंक मारी और आपको मंत्र दिया और थापी दी और थापना दी और आपको विधि विधान बताता है। उनके स्निध में आप मंत्रों का अनुष्ठान करते हो और सपनों के माध्यम से गुरु महाराज के आपको बार बार दर्शन होते हैं, आपके वो मार्गदर्शन करते हैं सपनों के माध्यम से। सभी धर्मों का आदर्श कानून करते हो, व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते हो। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु का कोई चेला को गुरु नहीं, तो किसी के झांसे में मत फंसना। सर्वप्रथम आसन पूजा, आसन पूजा करनी अति आवश्यक है, जिसमें आपको बता दूं, मन मारू मैदा करू करू चकनाचूर, पांच मेश्वर आज्ञा करे तो बैठू आसन को, श्री नाथ जी गुरु को देश, पाले गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, 984 सिद्धों को देश, ठीक है। ये क्या होता है कि गुरु मंत्र या नाथ संपदा में प्रचलित है, अगर गुरु के मुख से आपको आसन मंत्र मिले तो सत्संग मंत्र का आपने प्रयोग करना। अब बारी आती है गणेश महाराज के पूजन की, आसन मंत्र 5 बार या 7 बार पढ़ा जाता है। गणेश महाराज की 1 बार नॉर्मल ओम गण गणपते नमः। अब शिव भगवान जी का आपने पूजन करना ओम नमः शिवाय, क्योंकि ये सृष्टि के कर्ता है, रचयिता है, इनके सिद्ध में चलो। आप गुरु आवाहन करना है, गुरु आवाहन में आप गुरु गायत्री का प्रयोग कर सकते हो, या गुरु के द्वारा आपको मंत्र मिला है वो कर सकते हो, या आप वो कर सकते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपने। ये कितने बार करना है मैं आपको बता दूं, जो गणेश जी का 108 बार यानी कि 1 माला, शिव भगवान की भी 1 माला, गुरु वाहन में 5 बार 7 बार 11 बार 27 बार मंत्र। अब नीचे आपका लास्ट गुरु मंत्र, ठीक है ना। गुरु मंत्र में मैं इतना ही बताऊंगा, ओम शिव गोरक्ष, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। जो मेरे से दीक्षित है गुरु मंत्र उनको प्राप्त है, और अगर आपको गुरुमुख से कोई मंत्र मिला उस मंत्र का भी आप अनुष्ठान कर सकते हो। इस प्रकार से ही आपने साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। गुरु मंत्र नित्य क्रम में जपना है, गुरुओं के नाम का जो आप निवाला खाते हो भोजन का वो निकाल के रखना है, उस निवाले को 3 जगह डिवाइड करना है, जानवरों में गौ माता और स्वान यानी कि कुत्ते को जरूर डालना है। याद रखें, सच्चे होकर निष्भावना के साथ ही साधना का अनुष्ठान करें, बिना गुरु के कभी भी किसी का नाम नहीं हुआ आज तक जगत में। याद रखना, ज्ञानी आप तब बन पाओगे जब आप गुरु के सानिध्य में। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें।